व्हाट इज प्रोफेशन? अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो प्रोफेशन वो चीज़ है जिससे आपका घर चलता है। अब ये प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्रीलांसर, ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर कुछ भी। वैसे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर ये बात ज़रूर अलग है कि लोग जज करते हैं। बात रही प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन अभी एक ही चीज़ होगी, जैसे कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और वही बिजनेस को लोग अलग नज़र से देख रहे हैं, जबकि वो काम छोटा नहीं है। यहाँ पे मतलब ऐसे हर चमकती चीज़ को सोना समझा जाता है। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ वो वीडियो में आपको आगे समझेगा। हम बात रहे प्रोफेशन की, तो फिर जो प्रोफेशन मतलब ऐसे दिखने में अच्छा है वो अच्छा, नहीं तो अच्छा नहीं है। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो आप आगे वीडियो में समझोगे। अभी जैसे मुझे किसी ने बोला था कि साइज मैटर्स, समझाता हूँ। अभी एक प्रोफेशन की बात करते हैं जिसे लोग यूजुअली हॉबी या टाइम पास का नाम दे देते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इंडिया में अगर आप देखने जाए तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को मतलब शायद ही सीरियसली ली जाती है, नो ऑफेंस, पर ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ये बात पता होगा कि वो लोग एक चीज़ ज़रूर फेस करते हैं, जैसे कि भाई ये 10 मिनट के काम के लिए इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है, या फिर बैठे बैठे ही काम में कितना एफर्ट लगा, इतना चार्ज क्यों कर रहे हो, और बहुत कुछ। या फिर ये भी कि अपने दोस्त से क्या पैसे लेना, मतलब ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, नो डाउट। अभी अगर वही बंदा कोई बड़ा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनी खोल ले तो फिर उसको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि उसके बिजनेस का साइज़ बड़ा है, कि मतलब जैसे क्या डिज़ाइन है और कितना अच्छा है और ये सब वो सब। पर हाँ, ये बात खाली ग्राफिक डिज़ाइनर तक ही लिमिटेड नहीं है। अभी सपोज कोई फूड स्टॉल वाला है और एक रेस्टोरेंट वाला है, दोनों बेसिकली कर रहे तो एक ही चीज़ होते हैं, वही कि खाना बेचना। अभी दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं तो फिर दोनों में इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पर फिर भी मतलब ऐसे इंसल्ट करते हुए देखा जाता है सामने वाले को जिसका फूड स्टॉल है, जबकि रेस्टोरेंट वाले को एकदम अच्छे से देखा जाता है कि क्या अच्छा काम कर रहे हो और ये सब वो, और ढिमका फलाना, जबकि दोनों के काम का बेस सेम है, दोनों ही खाना बेच रहे होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जिसका बिजनेस बड़ा है उसने ज़्यादा एफर्ट्स लिए, नो डाउट उसने ज़्यादा एफर्ट्स लिए है, उसने ज़्यादा टाइम लिया है, उसने ज़्यादा रिस्क लिया है, बट उसने चालू भी तो छोटे से ही किया होगा ना, तो अगर उसे अप्रिसिएशन मतलब ऐसे छोटे स्केल में नहीं मिलेगा तो फिर उसे बड़े में जाने को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ये बात अलग है, कुछ लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जिन लोगों को पड़ता है वो लोग डिमोटिवेट होके शायद रुक भी जाए या फिर बंद भी कर दे। तो मेरे कहने का मतलब क्या पता है कि जो लोग छोटे स्केल पे बिजनेस चालू करो उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। वो लोग छोटे से बड़े तो होंगे ही ना किसी पॉइंट पे, और ऐसा नहीं है कि जो लोग छोटे बिजनेस चला रहे वो लोग कुछ खराब काम कर रहे हैं या फिर उनका काम अच्छा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी बिजनेस को अगर आप साइज से जज करें तो क्या आप हिपोक्रेट बनते हो? शायद से हाँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ साइज देख के बोले कि ये अच्छा और ये बुरा है तो फिर ये गलत है। पर हाँ, अगर बात क्वालिटी अगर डिफर कर रही हो दो बिजनेसेस के बीच में, क्वालिटी, हेल्थ, हाइजीन और ये सब फूड बिजनेस में, और बाकी के बिजनेस में अगर क्वालिटी में डिफरेंस हो तो बात बेशक अलग है। तो मैं ये वीडियो इसी के साथ ख़त्म करता हूँ।